अरे मतलब पहचान बनानी पड़ेगी क्या इधर खड़े होके कुछ देर? ये पूरी दोस्तों यहाँ पे भैंसे भैंस दिख रही है चारों तरफ से। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, मरहबा दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? तो मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। फिलहाल दोस्तों अभी हम हैं नाजा सुपारा में, बोले तो दोस्तों मुंबई का एक बेहद मतलब कहते हैं ना बिजिएस्ट स्टेशन। भाई यहाँ पे इतनी ज़्यादा पब्लिक का आना जाना रहता है ना, कहते हैं ना सुबह के टाइम भाई यहाँ पे ट्रेन में चढ़ना ना अपने आप में कहते ना ये ओलंपिक के गेम के जैसा होता भाई, कि मतलब रेस जगी रहती, हम पहले चढ़ेंगे। तो फाइनली ये देख सकते हैं दोस्तों सामने नाजा सुपारा रेलवे स्टेशन है। और फिलहाल दोस्तों मैं यहाँ पे आया था आज रूम वगैरह देखने के लिए, मैंने कहा कि भाई ये स्टेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे इतनी भर भर की पब्लिक रहती है भाई ना, इतनी ज़बरदस्त सुबह के टाइम पे मारे मारी रहती है भाई। अगर कभी भी आपको एक्सपीरियंस लेना हो, वैसे अभी ये ना नया धरावी बनता हुआ है, मतलब जब बोले दोस्तों अभी यहाँ पे ज़्यादातर पब्लिक रहती है, मतलब जो ज़्यादातर बाहर से आने वाले होते हैं जैसे यूपी बिहार और भी अदर स्टेट के होते हैं दोस्तों, वो यहाँ पे रहना प्रेफर करते हैं। वजह उसकी सीधी सी है, क्योंकि ये काफ़ी सस्ता पड़ता है। तो फाइनली दोस्तों अभी हम चलने वाले हैं नाजा सुपारा को एक्सप्लोर करेंगे और थोड़ा सा वहाँ का रूम वगैरह देखेंगे, कितनी महंगाई वगैरह है, ये सारी चीज़ें एक वीडियो में तो नहीं हो पाएगी, लेकिन कोशिश करेंगे दोस्तों ये सारी चीज़ें हम देख सकें। तो फिलहाल दोस्तों ये रहा हमारा नाजा सुपारा रेलवे स्टेशन और बस जस्ट हम अभी यहाँ से निकलते हैं बाहर की तरफ, यहाँ का मार्केट देखते हुए हम सीधा दोस्तों निकलते हैं सजम साइड में। वैसे रहते हैं यहाँ पे दोस्तों काफ़ी वीआईपी लोग, ऐसा नहीं है, लेकिन बस वही मैं कह रहा हूँ ना कि मुंबई में आपको झुपड़पट्टियों में भी काफ़ी वीआईपी लोग मिलेंगे। उसकी वजह यह है कि भैया जो यहाँ पे जितना ज़्यादा पैसा कमाता है उतना यहाँ पे खर्च भी है। तो यहाँ पे होता है क्या है दोस्तों, अमूमन अगर मुंबई के साइड में रूम वगैरह जाते हैं तो बहुत महंगा पड़ता है भाई, और यहाँ पे ना काफ़ी सस्ता पड़ता है, तो इस वजह से लोग इधर सेटल हो जाते हैं धीरे धीरे ये करके। तो फाइनली दोस्तों हम चलते हैं अभी बाहर की तरफ। तो ये पूरा स्टेशन है देख सकते हो दोस्तों, कुछ इस तरह से यहाँ का स्टेशन है भाई, बिजिएस्ट स्टेशन है, मतलब बोले दोस्तों ना मुंबई के सबसे बिजिएस्ट स्टेशन में ये जगह आती है। यहाँ पे इतनी क्राउड रहती है दोस्तों, इतनी क्राउड रहती है पूछो मत। तो ये पूरा एरिया है और अब इसकी पॉपुलैरिटी का दोस्तों अंदाज़ा इस बात से भी लगा सकते हैं, कपिल शर्मा शो में स्पेस है, इसका मजाक उड़ाया जाता है। वैसे दोस्तों इसकी हिस्ट्री काफ़ी खास है और 1920 के आसपास दोस्तों ये रेलवे स्टेशन बना था, वो सारी हम बात नहीं करेंगे। नहीं फाइनली दोस्तों हम चलते हैं बाहर की तरफ और मार्केट घूमते हुए दोस्तों हम चलते हैं नाजा सुपारा के अंदर में। वैसे काफ़ी बड़ा नाजा सुपारा है, वेस्ट में रहना थोड़ा सा अच्छा है, ईस्ट में दोस्तों ज़्यादातर झोपड़पट्टियाँ एरिया ज़्यादातर ईस्ट वगैरह में, वेस्ट में वैसे मैंने सुन रखा है भाई, मैं उतना ज़्यादा यहाँ पर घूमा नहीं हूँ, तो कहते हैं वेस्ट थोड़ा सा बेटर है। तो हम चलने के बाद ही देखते हैं ये सारी चीज़ों को। भाई ये दाना कितने का देते हैं कबूतर? 10,000। ये पूरा किन्न कौन सा 10 का है? अच्छा कोई सभी एक 10 का है हा? ये हाथ पे आते हैं कबूतर वगैरह आ जाएंगे? जान पहचान वाले पे आए। अरे मतलब पहचान बनानी पड़ेगी क्या इधर खड़े होके कुछ देर? तो भाई आप एक नेक काम कर लेते हैं, कबूतरों को दोस्तों थोड़ा सा दाना खिला देते हैं, तो देखते हैं बहुत सारे कबूतर। भाई साहब से पूछ रहा था मेरे हाथों पे आएगा, कह रहे भैया जान पहचान बनानी पड़ेगी, अब इनसे भी जान पहचान बनानी पड़ेगी हमको। तो ये किस चीज़ का दाना है, किस चीज़ का दाना है भाई ये? हाँ ये जो है कि वो है यार? बाजरा। अरे भाई क्या कह रहे यार। तो ये दोस्तों कुछ बाजरा का दाना है, मुझे अच्छे से पता है, हम भैया गांव के किसान आदमी हैं तो हमें ये सारी चीज़ें पता रहती हैं। तो बाजरा है और इस तरह से कबूतर को थोड़ा सा फीड करते हैं, ये भी खा लेगा और फाइनली दोस्तों हम चलते हैं फिर बाहर की तरफ। तो स्टेशन के पास की ये मार्केट वगैरह है, तो अभी यहाँ पे आपको भीड़ नहीं दिखाई देगी, उसकी जो सबसे बड़ी वजह है आज संडे है, तो आज लोग अपने परिवार के साथ दोस्तों इंजॉय कर रहे होंगे, मतलब आज का टाइम अपने फैमिली के साथ एक्सपेंड करते हैं, बाकी 6 दिन तो उनकी भागम भाग मची रहती है। इस तरह से दोस्तों यहाँ के बाहर के मार्केट की दुकान है, मतलब जस्ट स्टेशन से बाहर निकलेंगे, वैसे पूरे मुंबई में रेलवे स्टेशन के बाहर जब आप निकलेंगे ना, जैसे आप बाहर निकलेंगे भाई ना, ऐसे खूबसूरत सी मार्केट लगी रहेगी, इस्पेशली फुटपाथ की टी शर्ट वगैरह शर्ट वगैरह, मतलब जो भी आपको नीड होगी, जो भी ज़रूरत होगी, वो सारी चीज़ें आपको फाइनली मिल जाती हैं। और दोस्तों जानते हैं नाजा सुपारा जो है मुंबई बोले दोस्तों दादर से करीबन 1 घंटे की जर्नी होती है, दादर से मैं बात कर रहा हूँ, बाकी SC ST जाएंगे तो 10-15 मिनट और बढ़ा सकते हैं। नाजा सुपारा दोस्तों हम कहते हैं आता है थाने के एरिया में, थाने में आता है,
फाइनली दोस्तों अभी हम नाला सुपारा तो पहुंच चुके हैं। जैसा कि दोस्तों ये देख रहे हैं ये एरिया तो यार मुझे लग रहा है जैसे पूरा गांव जैसा है, इधर चारों तरफ से पूरी जगह ही खाली दिखाई दे रही है। कुछ तो दिख ही नहीं रहा मुझे झोपड़पट्टी वगैरह, लेकिन ऐसा नहीं है। वेट करिए थोड़ी देर वेट करेंगे ना। अभी मैं चल रहा हूँ, अभी मैंने क्या था कि वो जो नाला सुपारा का ये संतोष भवन का एरिया था, मैं अभी उससे घूमते हुए काफ़ी बाहर की तरफ आ गया था। अभी चलता हूँ भाई झोपड़पट्टियों की तरफ। तो इधर भी दोस्तों सेम धरावी की ही तरह काफ़ी झोपड़पट्टियाँ हैं। धरावी तो काफ़ी बदनाम है ये, लेकिन भाई धरावी बदनाम भले है लेकिन वहाँ पे ना जो कमाते भी बहुत हैं दबा के भाई, सच में बहुत कमाते हैं भाई, ये सच्चाई है। अरे कहाँ गोलिया हुआ एक दिन हमें देखता हम तो जान दे। आराम से सब बढ़िया जैसे पहने मछली अगवा का चला थे वैसे ना चला था। पानी में तो आते तो ना पकड़ पाई। अरे धाई जवन दवन बाद धाई के दाब जाए कच्चे तंगुरी कट गया खखड़ वाल के नहीं जैसे खखड़ा है दाब आवाज क्या लाओ सजाव। तो फाइनली दोस्तों देख सकते थे कुछ ऐसा नाला सुपारा का झोपड़पट्टी था जो कि मैं दिखाने की कोशिश किया। और अभी मुझे लग रहा है दोस्तों ये जगह तोड़ी गई होगी, मुझे लग रहा है यहाँ पे किसी बिल्डर ने तो पक्का इसको लिया होगा। देख रहे हैं कितनी अच्छी टाइल्स वगैरह लगी हैं। अब ये यहाँ पे बाद में हो सकता है बिल्डिंग वगैरह बनाई जाए, मे भी शायद, पता नहीं, मुझे कन्फर्म नहीं पता है, लेकिन हो सकता है। ये जगह देख रहे दोस्तों पूरी तोड़ दी गई है क्योंकि एकदम रोड के पास का एरिया है। तो फाइनली दोस्तों ये है पूरा नाला सुपारा का वो मार्केट का एरिया जो मैं आपको फिलहाल दिखाना चाहता था, कुछ इस तरह से हैं। अभी देख सकते हैं यहाँ पे गन्ने वगैरह की जूसें लगी हुई हैं, इस तरह से पानी पूरी की दुकानें हैं दोस्तों। इधर देख रहे हैं बैग वगैरह बर्तन वगैरह की दुकानें हैं, और इधर से दोस्तों पतली गलियों के रास्ते हैं जो कि अंदर की तरफ जाते हैं। लेकिन ये गलियों के रास्ते नहीं दोस्तों, मुझे लग रहा है सब्जी मंडी तक है, सब्जी मंडी है दोस्तों। वहाँ पर प्याज वगैरह दिख रहा है, यहाँ पर भी देख सकते हो दोस्तों इधर के साइड में प्याज वगैरह भी बिक रही हैं। तो कुछ इस तरह से पूरा यहाँ का मार्केट वगैरह है जो मैं आपको फिलहाल दिखा रहा हूँ। तो फाइनली दोस्तों अभी हम आ चुके हैं नाला सुपारा की सब्जी मंडी में। बाप रे भाई काफ़ी बड़ी सब्जी मंडी है, इस तरह की सब्जी मंडी दोस्तों मैंने काफ़ी दिनों के बाद देखी है। देख सकते हैं इस तरह से टमाटर वगैरह अभी बेचे जा रहे हैं, और इधर पूरी दोस्तों चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ सब्जियाँ ही सब्जियाँ हैं क्योंकि ये पूरी दोस्तों सब्जी मंडी ही बनी हुई है। इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पे कुछ सेम वगैरह हैं। तो फाइनली दोस्तों अभी हम काफ़ी टाइम से नाला सुपारा को घूम रहे थे, चारों तरफ से यहाँ की गलियों को एक्सप्लोर कर रहे थे, लेकिन ठीक है यार यहाँ की भी गलियाँ कुछ धरावी ही जैसी हैं फिलहाल। लेकिन यह है कि दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से पहाड़ियों का भी व्यू दिखता है सामने की तरफ, ये खूबसूरत दोस्तों पहाड़ी वगैरह है यहाँ पे। बाकी भाई यहाँ पे भी रस ना भर भर के है। अभी दोस्तों मैं आपको सब्जी मंडी दिखा रहा था, अभी यहाँ पे देखिए डेयरी, ये पूरी दोस्तों यहाँ पे भैंस दिख रही है चारों तरफ से। तो दोस्तों काफ़ी बड़ा मुझे डेयरी फार्म दिख रहा है कुछ इस तरह से दोस्तों यहाँ पे चारों तरफ से। यार मुझे लग रहा है यहाँ पे हज़ारों भैंस होंगी दोस्तों कम से कम। और बगल में दोस्तों यहाँ पे डेयरी फार्म भी है, मतलब आपको दोस्तों यहाँ पे ना गांव जैसा थोड़ा सा फील आने वाला है। बोले तो दोस्तों जैसा कि आप अगर आसपास के इधर के एरिया को घूमेंगे तो बहुत ज़्यादा सजम टाइप का बनाया गया, लेकिन दोस्तों इतना स्पेस होने के बावजूद भी इतना कंजेस्टेड घर यहाँ पे बना हुआ, मुझे चीज़ें समझ में नहीं आई। लेकिन ये है कि हम जैसे लोगों के लिए बोले दोस्तों, मतलब जिसका कम बजट होगा तो उसके लिए ये काफ़ी अच्छी जगह है। हाँ लेकिन बस एक ही तकलीफ दोस्तों नाला सुपारा से जो सबसे ज़्यादा होता है, अगर जो नाला सुपारा से होगा वो इस बात को बड़े अच्छे तरीके से जानता होगा भाई, ट्रैवलिंग। सबसे जो यहाँ पे दिक्कत की चीज़ है वो है ट्रैवलिंग, बाकी सारी चीज़ें ओके है। और भाई नाला सुपारा में घूमते हुए अभी हमें एक चीज़ की काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम फेस हो गई कि जानते हैं क्या हुआ, कि मैं अभी इसे जा रहा था भाई गलियों को घूम रहा था, भाई कुत्ता दौड़ते हुए आया एकदम से मेरे ऊपर लपक गया। मैं कहा भाई अब तो मैं गया, और उधर कुछ लोग खड़े थे कहे भाई ये कुत्ते बड़े कमीने। अरे मैं कहा भाई तो तुम्हें मुझे बचाना चाहिए यार, तुम कह रहे हो कुत्ते बड़े कमीने, हम आपके एरिए में खड़े हैं इतना तो कम से कम कर सकते हो। उन्होंने कहा भाई मैं क्या कर सकता हूँ, ये कुत्ते साले हरामी हैं, ऐसा उन्होंने बोला, मतलब उनके ये शब्द थे। मैंने कहा ठीक है भाई, तो मैं वहीं खड़ा हो गया और एक घर था उसी के अंदर चला गया। तो थोड़ी देर मैं वहाँ खड़ा रहा, जब साले कुत्ते थोड़े से शांत हुए ना फिर भाई मैं निकला,
मैं वो गली ही छोड़ दिया। मैं कहा भाई अब जाऊंगा ही नहीं गली में, अरे कुत्ते अगर नोच लेंगे ना भाई। 24 इंजेक्शन का जमाना ख़त्म हो गया, लेकिन तो भी दोस्तों 3 इंजेक्शन तो लगवाने पड़ जाएंगे ना, क्योंकि इनको तो वैक्सीनेटेड होते नहीं यहाँ के कुत्ते, ऐसे ही पड़े रहते हैं देख सकते हैं। कुछ इस तरह से काट जाएंगे तो पूरा का पूरा कांड हो जाएगा। तो कुछ इस तरह का दोस्तों सीन था नाजा सुपारा में। मैं काफ़ी देर से इस जगह को घूमा और यहाँ का कुछ व्यू देख सकते हैं दोस्तों, चारों तरफ से पहाड़ियाँ दिखती हैं और बीच में ये नाजा सुपारा बसा हुआ है। बाकी इसका इतिहास ना दोस्तों काफ़ी खूबसूरत है, वो कभी किसी और वीडियो में ना अच्छे से हम इस जगह को एक्सप्लोर करेंगे और डिस्कस करेंगे हिस्ट्री वगैरह के बारे में। नाजा सुपारा कैसे बना, कब बसा, वैसे स्टेशन 1920 के आसपास में बना था नाजा सुपारा। काफ़ी टाइम से घूमते हुए आगे की तरफ निकल पड़ा हूँ स्टेशन की तरफ, क्योंकि मुझे अभी कुछ लोगों से मिलना है जो कि मेरा वेट कर रहे हैं। मैं कहा ठीक है भाई मैं आता हूँ। ये वीडियो मैं दोस्तों यहीं पे ख़त्म करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ये दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, मरहबा, फिर मिलेंगे। हाँ वीडियो आपकी कैसी लगी दोस्तों, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।